हेलो दोस्तों, 326 हैमर ड्रिल मशीन में जो रिचेस्ट सेट है, इसमें जो गियर है एक ख़राब हो गया, हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमें कुछ टूल्स तैयार करना है। इसके अंदर एक सर्क्लिप है, सर्क्लिप को हम ओपन नहीं करेंगे तो गियर बाहर नहीं होगा। इसमें गियर ख़राब हो गया, देखिए गियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। सर्क्लिप था, मैंने पहले ओपन किया था, इसमें भी नीचे एक सर्क्लिप है ना। तो इसको कैसे खोलना है, देखिए जैसे प्रेस करने से पीछे हो रहा है, देखिए सर्क्लिप है ना, तो हमें इसको प्रेस करके रखना है तभी इसको हम गियर को ओपन कर पाएंगे। देखिए ऐसे हम प्रेस कर रहे हैं ना, तो गियर का जो सर्क्लिप है ना ओपन हो रहा है, तो उसको बाहर करना है। तो हम इसको कैसे खोलेंगे, तो वाइस कूलर रहेगा तो वाइस से आप इसको प्रेशर करके खोल सकते हो। ऐसे प्रेशर हो जाएगा, इसमें तो प्रेशर नहीं होगा। तो इसमें हमें कुछ डालना है, तो उसको डालने के बाद हम कुछ स्टैंड वगैरह बनाएंगे। तो इसको ऐसे यहाँ से एक पत्ती ऐसे डाल देंगे तो ऐसे बैठ जाएगा दोनों साइड से। उसके बाद हम दोनों स्टैग लगा के इसमें पत्ती ऐसे लगाएंगे और इसमें ऐसे ए ऐसे चिप लेंगे, दोनों नाट रहेगा। यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे स्टैग होगा दोनों साइड से, ऐसे स्टैग हम इसको डाल के नाट को कसेंगे ना, तो इसमें टाइट हो जाएगा तो अंदर चला आएगा। तो मैंने कुछ टूल्स तैयार करेंगे, मेरा जो ये लोहे का प्लेट है ना, तो इसके अंदर चला जाएगा। देखिए बड़े से जा रहा है, देखिए ऐसे प्लेट है ना, बड़े से जा रहा है। तो इसी को हम काटिंग करके एक टूल्स तैयार कर रहे हैं, तो ये काम को हम बढ़िया से कर सकते हैं। तो हम आपको दिखा दे कैसे हम करेंगे। तो मैंने इसमें जो माप है उसी माप के कुछ सामान हम लेते हैं। हम इसमें ऐसे कुछ माप लेते हैं, जैसे माप कैसे लेते हैं होता है। इसमें चार का दाग है ना, इसमें हम रखेंगे ना काम हो जाएगा। चार का बीच में जो दाग है उसको हम लेते हैं, तो मैंने इसमें लिया है, इसमें दाग है। देखिए इसमें हम ऐसे करके इसको, मेरे पास तो कुछ टूल्स नहीं है तो हम इसमें कुछ जुगाड़ से इसको ठीक कर रहे हैं। देखिए इसमें हमें इसमें साइज को हमें लेना है, तो मैंने कुछ ढूंढे हैं। देखिए ऐसे कैसे हमें इसको जो रियल साइज है उसको हम कैसे देखते हैं। देखिए ऐसे हम इसको रख के सीधा करके हम कुछ ऐसे सीधा कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे चार होते हैं ना, चार आ रहा है, चार साइज है। और इसमें भी हम इस साइड से हम लेते हैं तो वो भी चार ही रहेगा। तो उसमें हम इसमें बनाते हैं, देखिए इसमें दोनों साइड से एक रहेगा, एक जैसा है, चार हो जाएगा शायद। तो थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम चार के साइज में हो रहा है, ठीक है, चार के साइज में एक माप लेते हैं हर जगह पे। पहले हमें एक डाइस तैयार करना है, तो मैं कागज़ लिया हूँ, तो जो फोर साइज में मैं कुछ माप लिया था उसी को हम चारों दिशा में एक साइज का बराबर माप ले लेते हैं। उसके बाद हम राउंड एक कटिंग करेंगे, उसके बाद राउंड सर्कल करने के बाद उसके अंदर वाला हिस्सा को हम कटिंग कर लेंगे। उसमें पहले हमें डाइस को तैयार करना है। थोड़ा फास्ट में हम वीडियो को बनाया, एक काम करते हुए मेरे को 3 से 4 घंटा लगा था। मैंने कुछ काटिंग भी किया है, उसमें हम थोड़ा फास्ट करके आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए मैंने कितना मेहनत करता हूँ। तो ऐसे जो काम होता है ना मेरे को पसंद है, मेरे को खुशी मिलता है। तो हर रोज़ मैं पहले करता था, तो आप हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। जो नया टूल्स तैयार करते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। ऐसे टूल्स तैयार करेंगे तो आप मशीन को बढ़िया से खोल पाओगे। आपको एक बार तैयार करना है, नहीं तो आपको एक वीडियो देखा के भी आप टूल्स को तैयार कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो देखा देना है, तो आपको जैसे टूल्स चाहिए दिखाने के बाद जो ऐसे काम करते हैं ना वो कर देंगे। आपका लगता है आप खुद कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो मैं कैसे काम किया आपके साथ शेयर करते, पूरा वीडियो को आप देखिए। देखिए मैंने राउंड साइज में थोड़ा कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैंने डाइस तो तैयार कर लिया। उसके बाद हम अंदर डाल के देख लेते हैं इसमें जो हम साइज तैयार किया था वो कितना सही हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छे से फिटिंग हो गया है।
देखिए इसमें हम फ्लास ऑन करके भी आपको देखा देते हैं। देखिए बहुत बढ़िया से फिटिंग हो गया है। तो हमें अभी क्या करना है, जो कागज मैंने बनाया है उसी के टाइप मेरे को लोहे का पत्ती को कटिंग करना है। तो उसमें हम बीच में दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे। देखिए बढ़िया से अभी हम इसको तैयार कर लिया है। देखिए दोनों साइड से हम कटिंग करने के बाद जैसे हम इसको बैठा रहे ऐसे ही हमें लोहे को कटिंग करना है। तो हम थोड़ा साइज ले लेते हैं तो कैसे हमें कट करना है। तो हम दिमाग में हो स्केच को बनाते रहते हैं कैसे हमें इसको काम करना है। तो मेरा काम करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो मेरे पास टूल्स भी नहीं है। तो हमें एक कंपास खरीदना था, तो मैंने कंपास काम नहीं आएंगे तो इसी वजह से उसको ख़रीदा नहीं, थोड़ा टाइम लगा है। तो मैं जैसे मेरे को ठीक लगा मैं कर दिया, तो ऐसे करके काम को करते हुए मेरे को खुशी मिलता है। तो आपके साथ जो रियल है जो मैं से काम किए हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपको ऐसे काम अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा काम करने का तरीका। तो मैंने कुछ काट छाट किए हैं, उसके बाद हम इसको राउंड को ऐसे बैठाने के बाद इसमें सर्कल बना लिया है, उसको कटिंग करके हम इसमें जो कट लगा रहे हैं ना उसमें हम जो नट डालेंगे उसी का हम साइज ले रहे हैं। तो एंगल ग्राइंडर की मदद से हम इसको कटिंग करेंगे। तो बहुत ही मोटे है, थोड़ा टाइम लगा था, हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं कैसे हम काम को किए हैं। देखिए हम कटिंग कर लिया है। मैंने कटिंग करके निकाल लिया है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हम साइड में अभी रख लेते हैं। तो इस कटिंग पार्ट को हमें बीच में कटिंग करना है, उसके बाद अंदर वाला होल को भी हमें कटिंग करना है। तो मेरे पास होल बिट रहेगा तो हम इसको कटिंग कर पाएंगे, नहीं तो लेद में जाके हम कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो गैस कटर से हम इसको कटिंग कर पाएंगे। तो मैंने कुछ सोचा है इसको कटिंग कैसे करेंगे, तो भाइस के मदद से इसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम ग्राइंडर की मदद से अंदर से इसको बीच में बहुत सारे कटिंग करेंगे, उसके बाद उसको फेस कर लेंगे। तो कैसे मैं काम को किया आपके साथ थोड़ा शेयर करते हैं। तो ये जो काम है ना आपको देखने के बाद बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मैं कैसे काम करता हूँ हर रोज़, देखिए हम बीच में कटिंग कर लेते हैं। बहुत सारे कटिंग करने के बाद देखिए कटिंग हो जाने के बाद देखने में ऐसे लग रहा है। तो अंदर से भी हमें थोड़ा इसको राउंड कटिंग करना है, तो और हम घुमा के थोड़ा राउंड कटिंग करते हैं। तो एंगल ग्राइंडर से मदद से इसको धीरे धीरे करके हमें काम को पूरा कर लेना है। एक काम करते हुए आपको थोड़ा सेफ्टी से काम को करना है, आंखों पे आपको गॉगल्स पहनना है और मशीन में आपको गार्ड लगा के काम को करना है। थोड़ा राउंड हो गया है तो हमें चेक कर लेना है। तो रिचेट डाल के हम चेक कर लेते हैं उसमें जो हम साइज लिया था वो कितना सही हुआ है। तो हमें बारीकी से उसको चेक करना है। तो मैंने जो फार्मा तैयार किया था उसी को हम ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया है। तो मैंने देखा ये है तो इसी को हम बैठा दे है, उसके बाद इसी का जो साइज है उसको हम इसमें बराबर करके देखते हैं। तो बढ़िया से उसमें फिट हो रहा है, तो जैसे मैंने सोचा था ऐसे काम हो गया है।
तो हम इसको खोल लेते हैं। दूसरे हमें कटिंग करना है, पहले जैसे कटिंग किया था दूसरे भी सेम टाइप में हम कटिंग करेंगे। देखिए बड़े से कटिंग हो गया है, अभी बड़े से फिटिंग हो रहा है। दोनों साइड से हमें सेम करना है, बड़े से फिट हो रहा है। दूसरे भी हम ले लेते हैं, उसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोनों का साइज हम बराबर चेक कर रहे हैं, देखिए बढ़िया से फिटिंग हो गया है। तो हमें अभी तैयार कर लिया है, दोनों साइड से हमें इसको टाइट कर सकते हैं। ऐसे बोल्ट का क्लिप फिटिंग करना है और नीचे वाला जो प्लेट है उसको भी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, दोनों को एक साथ वेल्डिंग किए हैं और दोनों साइड से उसको वेल्डिंग भी कर लिया। इसको कटिंग करना है बीच से, दोनों साइड में हम इसमें दोनों को जोड़ने के लिए हम कुछ ऐसे नट डाल के इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, तो अभी बढ़िया से इसको फिटिंग करते हैं। देखिए ऐसे फिटिंग कर लेते हैं, अभी दोनों इसमें दोनों साइड से बढ़िया से फिटिंग हो गया है। इसमें दोनों बोल्ट से हम उसको कस लेते हैं। नीचे हमें एक ऐसे प्लेट को ऐसे रखना है, तो ऐसे प्लेट को रखने के बाद थोड़ा हम घुमा लेते हैं। ऐसे घुमाने के बाद दोनों इसमें स्टैक बोल्ट इसमें हम फिटिंग करेंगे। दोनों बोल्ट को नीचे से हम इसको फिटिंग करते हैं। देखिए बड़े से फिटिंग हो गया है, तो मैंने इसमें कुछ टूल्स तैयार कर लिए हैं। तो ये टूल्स के मदद से हम नाटों को हम कसेंगे ना तो अंदर चला जाएगा, तो गियर नीचे आएंगे उसमें सर्क्लिप बाहर हो जाएगा। तो टाइट कर लेते हैं, टाइट करने से नीचे जाएगा तो गियर का जो सर्क्लिप है ना वो बाहर आएंगे। तो हम सर्क्लिप को ओपन करके गियर को बाहर कर लेते हैं। देखिए इसमें गियर थोड़ा नीचे होने के बाद इसमें सर्कल बाहर हो गया, अभी हम
सर्कल को ओपन कर पाएंगे। ऐसे कुछ पत्ते लेते हैं, आउटर सर्कल की मदद से हमें सर्कल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम गियर को बड़े से बाहर कर पाएंगे। ये बड़े से हम सर्कल ओपन कर लिया है, देखिए बड़े से ओपन हो गया है। बड़े से सर्कल ओपन हो गया है तो हमें इसमें जो नट टाइट किया है ना उसको खोलने के बाद गियर बड़े से ओपन हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताना मेरा जो टूल्स है आपको कैसा लगा और कैसे काम हुआ है। तो पसंद है तो लाइक करना।
मैंने देखा जब इसको सफाई कर रहे थे, इसमें दो की है तो थोड़ा अलग है, तो हम कभी खोला नहीं था तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो हम आपको दिखा देते हैं, देखिए गियर है, गियर के अंदर चार की बैठाने के लिए दी है कंपनी, देखिए दो की है दोनों साइड से और इसमें चार की लॉक है कि हम इसको फिट कर सकते हैं। देखिए तो ऐसे फिट रहते हैं और सर क्लिप से लॉक करके इसको रखते हैं। तो हम अभी टूल्स तैयार कर लिए, बड़े से इसको ओपन कर पाएंगे। तो आप भी ऐसे टूल्स तैयार कर लेना, बढ़िया से काम को कर पाएंगे। तो अभी ये टूल्स को हम फिटिंग करके रख लेंगे, बड़े से हम काम को कर पाएंगे। टूल्स फिटिंग करने के बाद ऐसे रह जाएंगे सब कुछ एक साथ, ऐसे करके हम जहाँ पे हम टूल्स को रखते हैं वहाँ पे रख लेते हैं।